राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 में कंडाघाट के समीप एक बार फिर से पहाड़ी दरकने से शिमला चंडीगढ़ मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कुछ दिन पहले भी इस स्थान पर पहाड़ी दरकने से सड़क पर मलबा आ गया था, जिसकी वजह से सड़क मार्ग काफी समय तक अवरुद्ध रहा था। सोलन में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फोर लेन कटाई के चलते पहाड़ अपने पकड़ खो चुके हैं और इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। सुखद बात ये रही कि अभी तक इस तरह की घटनाओं में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कंडाघाट पुलिस एवं एरिफ कंपनी के कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए शीघ्र ही इस अवरुद्ध मार्ग को खोल दिया था। इस मौके पर ब्रिजलाल थाना प्रभारी कंडाघाट एवं उनकी टीम ने विशेष रूप से मोर्चा संभाला और एरिफ कंपनी के सड़क सुरक्षा प्रबंधक अविनाश दुबे के साथ मिलकर यातायात को ज्यादा देर बाधित होने से रोका। एरिफ कंपनी के सड़क सुरक्षा प्रबंधक अविनाश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि सड़क पर मलबा और पत्थर आ रहे हैं, तो वे पुलिस और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ देर में मशीनों के साथ सड़क से मलबा हटाया। कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जरूर लगा था, लेकिन कुछ देर बाद इसे सुचारू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम पूरी तरह से सतर्क है और अगर फिर से सड़क पर मलबा आता है तो वे तुरंत उसे हटाने में सक्षम है। लोगों को इस तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए वे पूरी तरह से सतर्क हैं। उन्होंने इस मार्ग पर जाने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। मैं अविनाश दुबे, मैनेजर सेफ्टी एरिफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ये चंबा घाट से कैथली घाट तक फोर लेन का काम कर रही है कंपनी। तो ये 114-500 पे हमारे यहाँ स्लाइड लैंडस्लाइड आ गई थी सुबह 7:30-8 बजे के आसपास। तो अभी 10 से 15 मिनट के लिए हाईवे जाम हुआ था। फिर हमारी मशीनें यहीं पे डिप्लॉय हैं ऑलरेडी, जो है दो लोडर और पोकलैन ग्रेडर, ये सारी मशीनें यहाँ पे रखी गई हैं। तो वो सारे कर्मचारी और कंडाघाट पुलिस, सोलन पुलिस और हम सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग लग करके इसको 10 से 15 मिनट लगा था खाली करने में। अभी एनएच हमारा स्मूथली चल पड़ा है और अब कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कोई पत्थर आएगा। तो हमारी मशीनें खड़ी हैं, हम लगातार यहाँ पे अपना नज़र बनाए हुए हैं और लोग आसानी से अब सेफली आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को भी थोड़ा सा मैं अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप पहाड़ी इलाके में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट हैं, परिवार फैमिली के साथ बच्चों के साथ चले हुए हैं, तो ऐसी जगहों को अवॉइड करें जो लैंडस्लाइड एरिया है। जगह जगह बैनर डिस्प्ले किए गए हैं, वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, रोड सेफ्टी साइन के बोर्ड लगे हुए हैं कि पहाड़ से पत्थर आने की संभावना है। तो उन जगहों पर अपनी गाड़ियाँ ना खड़ी करें, ना रुक के वहाँ सेल्फी लें, वहाँ पर मतलब अपना सुरक्षित तरीके से निकल जाएँ धीरे से। ऐसा ना हो कि वहाँ पर ज़्यादा धीरे चलें या रुकने का प्रयास करें, ऐसे में हादसे का डर रहता है। और आप जब भी अपनी गाड़ियां पार्क करें तो सेफ जगह पे पार्क करें, और बस यही सब ध्यान देने की चीज़ें हैं। बाकी रेनी सीजन है, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा रहेगा। हम अलर्ट मोड में हैं, पुलिस अलर्ट मोड में है।